गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको फार्मेसी सेकंड ईयर के फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में 15th चैप्टर जो है एपिलेप्सी करवाने जा रहे हैं, ड्रग इफेक्ट इन कन्वल्सिव डिसऑर्डर। ये एपिलेप्सी जो है इज ए कनेक्टिव टर्म्स ऑफ लाइफ फॉर ए ग्रुप ऑफ कन्वल्सिव डिसऑर्डर। द कॉमन फीचर्स ऑफ द एपिलेप्सी आर loss or disturbance of the consciousness, second one characteristic body movement, and third one autonomic hyperactivity। The different types of epilepsy jo hain are general grand mal epilepsy, petit mal epilepsy and psychomotor epilepsy, myo क्रॉनिक एपिलेप्सी एक्सेट्रा। ये जो एपिलेप्सी है ये आम भाषा में इसे मिर्गी कहा जाता है। मिर्गी जो है एक मस्तिष्क जो ब्रेन है का रोग है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं और इस दौरान रोगी बेहोश हो जाता है। कभी कभी वह होश में भी रहता है तथा पूरे शरीर में किसी एक अंग में अथनयुक्त दौरे पड़ते हैं। किसी एक अंग में ये दौरे फीवर अन्य दूसरे कारणों से भी आ सकते हैं। ब्रेन में कुछ तंत्रिकाओं के अत्यधिक उत्तेजित होने से होते हैं। मिर्गी रोगी औषधियां मस्तिष्क में अत्यधिक उत्तेजित तंत्रिकाओं तेजनाशीलता को दबा देती है जिसके परिणाम स्वरूप दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं और अधिकतर मामलों में दौरों के कारण का पता ही नहीं चलता। ये जो एपिलेप्सी है उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए यूज होती है, आइडेंटिफाइंग फेनिट्रॉन एंड वार्बिट्यूरेट्स एंड फिनोबार्बिट्रॉन एंड पेरिमेथियोन एंड अमीडोस्टाइबिनाइन एंड कार्बामाज़ेपाइन, और फोर्थ वन है सुसनिमाइड एंड इथोसुक्सिमाइड एंड फिफ्थ वन है कार्बोक्सैलिक एसिड सोडियम बाइक्वेट। उसके बाद सिक्स्थ वन आता है बेंजोडाइज़ेपाइन में जो केमिकल्स आते हैं क्लोनाज़ेपाम डाइज़ेपाम और न्यूर एंटी एपिलेप्टिक में आता है गाबा पेंटीन एंड बेटा पेंटीन। उसके बाद मिसलेनियस ड्रग्स में आएंगी अपनी ट्राइमीथा डैम एंड एनएस वाइड एंड लास्ट वन आएगा एसिटाइलकोलाइन। उसके बाद आइडेंटिटी जो है हमारा क्लासिफिकेशन उसके डेरिवेटिव्स एडवर्स रिएक्शन एंड डोजेस एंड यूजेस। उसके बाद जो ड्रग्स है स्लोली स्लोली हमने स्टडी करनी है, उसमें हम आइडेंटिटी के बारे में बोलेंगे। फेनिट्राइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव, नॉर्मलाइज द लोड थ्रेशोल्ड फॉर सीजर्स एंड सेकेंड वन रिड्यूसिंग सोडियम कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेट इन ब्रेन सेल विच लीड टू डिक्रीज इन पोस्ट टेटेनिक पेशेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रग जो है फेनिट्राइन। फेनिट्राइन जो है वो एंटीलेप्टिक ड्रग्स है। ये औषधि मिर्गी पेटिट मल और माइनो एपिलेप्सी के लिए यूज होती है के अलावा सभी प्रकार की मिर्गी में भी उपयोग की जाती है और ये ब्रेन की तंत्रिकाओं नर्व्स जो कहते हैं न्यूरॉन के सोडियम चैनल में अवरोध उत्पन्न करके मिर्गी के दौरों को कम करती है। इसको लेने की मार्ग जो होते हैं रूट्स जो होते हैं दवाई जो हम लेते हैं और लेते हैं उसके बाद
इंट्रावीनियस इंजेक्शन के थ्रू जो बीम्स होती है हमारे उसके थ्रू जो हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं, इसकी डोज होती है 100 मिलीग्राम डोज एडल्ट के लिए दी जाती है और इस औषधि की अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मात्रा 600 मिलीग्राम प्रति दिन पर डे दी जाती है। उसके बाद इसमें ये जो बच्चों में 4 से 7 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार बराबर विभाजित मात्राओं में दी जाती है, अधिकतम इसको 300 मिलीग्राम तक इस मेडिसिन को दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो एडवर्स रिएक्शंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि गम, हाइपर ट्रोफिया, वोमिटिंग, न्यूसिया, न्यूसिया मीन्स जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया और ड्रॉजीनेस एंड कंफ्यूजन, इस तरह की इसकी एडवर्स रिएक्शन जिसे हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं वो होते हैं। उसके बाद फॉस्फो, नेक्स्ट आ गया है बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कन्वल्सेंट, बार्बिट्यूरेट इज ए फिनोबार्बिटोन, इट इज एफेक्टिव इन ग्रैंड मल, फोकल, कॉर्टिकल एंड फैसिको मोटर एपिलेप्सी, इट शुड नॉट बी यूज इन पैटेट मल एपिलेप्सी, सो इट मस्ट बी ग्रेजुअली सब्स्टिट्यूटेड बाय फेनिकॉइन। इसकी डोज जो है इसमें साइड इफेक्ट जो आते हैं टॉक्सिसिटी और ड्रॉजीनेस, डिप्रेशन इसके साइड इफेक्ट हैं, और इसमें डोज जो है 60 to 180 मिलीग्राम डेली इन ए डिवाइडेड डोज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है कार्बामेज़ेपाइन जो है औषधि आती है, ये एंटी एपिलेप्टिक है, फिर भी दोनों रोग की चिकित्सा में इस औषधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ये रासायनिक रूप से एमिप्रामाइन से संबंधित होती है। प्रारंभ में शुरू में इस औषधि का प्रयोग ट्राइजिमाइन न्यूरोलाइजी नामक रोग में किया जाता था, बाद में मिर्गी रोग की चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाने लगा। इसके रूट्स जो हैं ओरल रूट से मुंह के थ्रू टैबलेट या कैप्सूल के रूप से दी जाती है और डोज इसकी 100 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम दिन में एक बार या दो बार, इसके उपरांत धीरे धीरे बढ़ाते हुए 800 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम तक प्रतिदिन देते हैं। बच्चों में इसकी डोज जो है कम होती है वो 100 से 200 मिलीग्राम प्रति 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को देते हैं और 200 से 400 मिलीग्राम तक प्रतिदिन 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को 400 से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन दिया जाता है। इसी तरह वेट के अनुसार ये मेडिसिन देते हैं। इसके जो एडवर्स या इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो होते हैं इस मेडिसिन के, चक्कर आना, वेटिको, उसके बाद ड्रॉजीनेस जिसे सुस्ती कहते हैं, उसके बाद न्यूसिया, जी मचलाना और उल्टियां, वोमिटिंग, रैश, विस्फोट और एनीमिया, रक्त की कमी, इस तरह के इसके साइड इफेक्ट हैं। और इसमें जो ब्रांड नेम आते हैं इस मेडिसिन के, जो मेडिसिन मार्केट में मिलती हैं उनके जो नाम हैं, टेबलेट्स कार्बाटोन 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम, टेबलेट टैग्रिटोल 100, 200 एंड 400 मिलीग्राम, इसका सिर्फ भी आता है लिक्विड फॉर्म में जिसे कहते हैं टैग्रिटोल 100 मिलीग्राम 5 ml एंड टेबलेट ZEN 200 मिलीग्राम, इस रूप से नाम से मार्केट में आते हैं। उसके बाद हमारा सुसिनेमाइड जो हमारी केमिकल्स है इधर जो यूज होता है एपिलेप्सी के लिए वो इस तरह से है,
इसमें जो डोज होती है इनिशियल 200 मिलीग्राम पर डे दी जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीज की जाती है 250 मिलीग्राम ईच वीक टू ए मैक्सिमम 750 मिलीग्राम डेली इसकी दी जाती है डोज। और उसके बाद सोडियम वर्कोरेट जिसको हम वर्कोरिक एसिड भी कहते हैं, ये जो सॉल्ट केमिकल्स है यूज आता है एंटीलक्स के लिए, वो पेटिकमल एपिलेप्सी की ये बहुत ही प्रभावशाली हो चुकी है, पेटिकमल एपिलेप्सी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा भी सभी प्रकार के एपिलेप्सी में इसका प्रयोग किया जाता है। इस मेडिसिन को हम ओरल रूट्स के द्वारा दिया जाता है, उसके थ्रू टेबलेट फॉर्म हो गया, जो मतलब कि जो मुंह से हम दवाई लेते हैं उसको हम ओरल रूट कहते हैं। इसमें मेडिसिन की डोज जो है 6 मिलीग्राम प्रतिदिन दो बार विभाजित डिवाइडेड जो मात्रा में देते हैं, 3 दिन के अंतराल पर 200 मिलीग्राम की मात्रा बढ़ा देते हैं। इस तरह से डोज दी जाती है। और चाइल्ड की जो डोज है वो 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार दी जाती है, एवं बढ़ाते हुए 35 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन कर देती है। उसके बाद इसके जो ब्रांड्स मार्केट्स में आते हैं और जो एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट इस केमिकल्स के आते हैं हमें, वो है न्यूसिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, दस्त लग जाने, सेडिएशन, और उसके बाद वाटिको मीन चक्कर आना, सुस्ती आना, ड्रोजीनेस एंड गंजापन, एलोपेसिया एंड स्किन रैश। स्किन में जो है एक रैश, वजन बढ़ना, वेट बढ़ जाता है, वेट गेन, और ये कंफ्यूजन भ्रम पैदा करती है ये मेडिसिन लेने के साइड इफेक्ट्स जो हैं। उसमें ब्रांड नेम जो मार्केट में जो मेडिसिन आती है वो है एनोप्रेट 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम में आती है, उसके 500 मिलीग्राम में टेबलेट आती है, इसलिए सिर्फ फॉर्म में भी आती है, और बल्क रेंज 200 मिलीग्राम आईबीएम टेबलेट एंड वेल्ट्रिन 200 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम में ये मेडिसिन आती है। उसके बाद हम क्लोनाजेपाम करेंगे। ये जो क्लोनाजेपाम है वो इस एंटी कन्वर्जन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के लिए दी जाती है। ये डायजापाम बेंजोडायजापाम से संबंधित होती है और जीआई ट्रैक्ट द्वारा इसका अब्सॉर्प्शन भली प्रकार हो जाता है, और 80% जो होती है इसमें क्लोनाजेपाम का अब्सॉर्प्शन हो जाता है, और लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिन द्वारा ये बाहर आ जाती है मेडिसिन। औषधि की मात्रा को 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन तक कर देते हैं। 10 वर्ष तक की आयु में 30 केजी तक के बच्चे को 0.01 to 0.03 मिलीग्राम प्रति 10 मिलीग्राम से लेके 30 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन शारीरिक वजन के अनुसार औषधि की मात्रा दी जाती है। इसमें जो साइड इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, सुस्ती आ जाती है, थकान होती है, फैटिक चक्कर आते हैं। उसके बाद कंपना शरीर का, और निंद्रा आना, भूख कम लगना, मुख का सूखना, और जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, खांसी, इस तरह के इसके साइड इफेक्ट्स। उसके बाद हमारा डायजापाम जो है सेम इसी तरह की औषधि है जो एंटी कन्वर्जन तथा इस औषधि में उपयोग होती है।
ये जो औषधि है मुख के द्वारा सेवन करने पर मुख के द्वारा गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द्वारा इस औषधि का अब्सॉर्प्शन खूब अच्छी प्रकार से होता है। इस औषधि का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ये रूट्स जो है हम ओरल रूट से दी जाती है ये मेडिसिन डाइजापाम मुंह के थ्रू इंट्रावेनियस इंट्रामस्कुलर जो मसल्स होते हैं हमारे उसमें हम इंजेक्ट किया जाती है मेडिसिन को। उसके इसकी मात्रा जो है वो 10 मिलीग्राम दी जाती है इंट्रावेनियस मार्ग द्वारा और अधिकतम मात्रा इसकी 12 मिलीग्राम तक प्रतिदिन की होती है। ये मुख द्वारा मुंह के द्वारा 2.5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक दिन में 2 या 4 बार दी जाती है। इंट्रावेनियस मस्कुलर रूट्स में 2 से 20 मिलीग्राम एक बार में और अधिक आवश्यक होने पर प्रत्येक 4-4 घंटे पर इस डोज को दिया जाता है। 24 घंटे में 100 मिलीग्राम तक इस मेडिसिन को दे सकते हैं हम, इससे ज्यादा नहीं। इसके जो साइड इफेक्ट हैं एडवर्स रिएक्शंस हैं या इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे जी मिचलाना, दस्त आने, डायरिया जिसे कहते हैं, चक्कर आना और थकान, भ्रम पैदा हो जाना, कंफ्यूजन और कॉन्स्टिपेशन एंड डिप्रेशन, पीलिया जॉन्डिस जिसे कहते हैं, हेडेक, इंसोमिना, अनिंद्रा, नींद की प्रॉब्लम होना उसे कहते हैं और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद इसमें जो टेबलेट्स मार्केट्स में आती हैं वो सेपरेट सेपरेट नाम से आती हैं। टेबलेट्स जो है कल्प्रोस वो 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम इंजेक्शन आते हैं, कल्प्रोस 10 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम इस तरह से मार्केट ब्रांड नेम जो है ये गए हैं। उसके बाद हमारा एसिटाजोलेमाइड आ गया। एसिटाजोलेमाइड जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के लिए यूज की जाती है, एक अच्छी औषधि है। इट इज ए कार्बोनिक एंड हाइड्रेट इनहिबिटर। इट इज यूज इन पेटिटमल एपिलेप्सी। इट ऑल्सो हैज ए डायरेटिक इफेक्ट। ये जो एसिटाजोलेमाइड है वो डायरेक्ट इफेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका ड्रग इफेक्टिव इन कन्वल्सिव डिसऑर्डर एपिलेप्सी जिसे मिर्गी के दौरे कहते हैं वो चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 15-16 जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।